trigonometric functions. अब देखो, यदि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूं तो मैंने तुम्हें बताया था ना, साइन एक्स का कर्व और कोस एक्स का कर्व बता दिया ना बेटा सबको, साइन एक्स का कर्व और कोस एक्स का कर्व बता दिया मैंने सबको, ठीक है। अब जैसे मैं पहली प्रॉब्लम की बात करता हूँ, फर्स्ट प्रॉब्लम, सेपरेट 0 to π/2 into sub intervals in which function fx equal to sin 3x is strictly increasing or strictly decreasing. तो हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम क्या करेंगे समझो, एफ एक्स है हमारा साइन थ्री एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स साइन थ्री एक्स का डायरेक्ट थ्री कोस थ्री एक्स, 3 cos 3x। अब मैं क्या करूंगा, cos 3x का कर्व बना लूंगा रफ कर, ये हमारा cos 3x का रफ कर, cos x का कर्व बोलो या cos 3x का, देखो cos 3x का कर्व क्या होगा ये समझो, 0/3 यहां पर क्या होता था cos में, बैठो याद करो cos में यहां क्या होता था π/2, तो π/2 का 3 से डिवाइड कर दो, π/3 π/2 होता था बेटा, तो 3π/2 को 3 से डिवाइड कर दो, π/2 हमें कहां से कहां तक जाना है 0 to π/2, तो 0 से π/2 हो गया ना बेटा, यस सर। यहां पर ये प्लस क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये माइनस, बस प्लस माइनस, ये हमारा cos 3x का कर्व हो गया बेटा, fx equal to cos 3x, ये हमारा cos 3x का कर्व हो गया। इसमें कोई डाउट है किसी को, इस कर्व में किसी को कोई डाउट है बेटा, देख लो बेटा इसमें, इस कर्व में किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब a strictly increasing, for the fx to be strictly increasing f dash x is greater than 0, तो 3 cos 3x is greater than 0, तो बेटा cos 3x is greater than 0। अब बेटा cos 3x कहां से कहां पॉजिटिव है? 0 to π/6। क्या 0 पर स्लोप 0 हो रहा है? क्या स्लोप 0 यहां होगा जहां कट करेगा, ये 0 पर यहां आ रहा है। तो बेटा fx फ्रॉम द ग्राफ ऐसे लिखोगे, फ्रॉम द ग्राफ It is clear that fx is strictly increasing on, बेटा 0 include होगा, क्यों होगा 0 include? क्योंकि 0 पर slope 0 नहीं हो रहा, cos 0 1 होता है, cos 0 0 नहीं होता, जहां 0 नहीं होगा तो ये 0 to π/6 आपका include नहीं होगा, 0 to π/6। तो fx is strictly increasing on 0 to π/6, ये आपका increasing strictly increasing interval आ गया। क्या ये समझ में आया 0 से π/6? अरे बेटा 0 इसलिए include हो रहा है क्योंकि यहाँ slope 0 नहीं हो रहा,
और पाई बाय सिक्स पर स्लोप जीरो हो रहा है, तो जहां स्लोप जीरो नहीं हो रहा है वो इंक्लूड होगा, बाकी इंक्लूड नहीं होगा। तो जीरो से लेकर पाई बाय सिक्स, तो इसका स्टिकली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक आ गया बेटा, बोलो सर, जीरो टू पाई बाय सिक्स। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये स्टिकली इंक्रीजिंग आ गया जीरो टू पाई बाय सिक्स। अब स्टिकली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा बेटा, पाई बाय सिक्स से पाई बाय टू। तो पाई बाय सिक्स और पाई बाय टू दोनों नहीं आएंगे क्योंकि दोनों पर स्लोप जीरो। यदि मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो दोनों वैल्यू नहीं आएंगी, तो मैं इसको लिख रहा हूं, देखो उधर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, for the fx to be strictly decreasing, strictly decreasing, f dash x is less than 0, तो ये आ गया 3 cos 3x is less than 0, तो ये आ गया बेटा cos 3x is less than 0, so therefore from graph it is clear that fx is strictly decreasing on pi by 6 to pi by 2, ये हमारा strictly decreasing होगा। तो दोनों चीजें क्लियर है सबको? सर मेरे को ये जीरो वाला पॉइंट क्लियर नहीं है। जीरो पर स्लोप जीरो हो रहा है क्या? स्लोप जीरो तब होगा जब वो x एक्सिस को कट करेगा। क्या ये x एक्सिस को कट कर रहा है कि कर्व? अरे जीरो से पास हो रहा है कि आपका कर्व? यहां से पास होता कर्व तब आपको वो इंक्लूड नहीं होता। आपका इंटरवल गिवन है जीरो से पाई बाय टू, मतलब मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। क्या जीरो पर स्लोप जीरो हो रहा है कि यहां पर ये ऊपर की तरफ आ रहा है बेटा? स्लोप जीरो नहीं है तो वो इंक्लूड होगा, जहां पर स्लोप जीरो नहीं होगा वो इंक्लूड होगा। इसलिए जीरो इंक्लूड होगा। और कुछ? एक मिनट के लिए, अब मेरे को दो मिनट का टाइम दो वापस से, पांच जने एब्सेंट है, एक बार देख लूं। उत्रेजा एक, और बोलो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। आना उत्रेजा, आना और दो, आयुष भी नहीं दिख रहा आज तो। सर हूँ मैं। हाँ ये रेंदो, ये सर इसरा। हाँ इसरा। इसरा तीन, दिशा है, है इसरा तीन, और दो जने और है। देखो अपने आसपास देखो यार, अपनी पता लग जाएगा कैसे कैसे पता लगेगा। सभ्यता, सभ्यता बिल्कुल सही है, सभ्यता नहीं है। चार, एक और, चलो एक और ढूंढ लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आरुष है? नहीं है, ठीक है। पांच और उस नेक्स्ट।
देखो करते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम, ध्यान से समझना बेटा। कर्व बना के करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। सेपरेट द इंटरवल, सेपरेट द इंटरवल, जीरो टू पाई बाई टू, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर फोर प्लस कोस एक्स की पावर फोर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मुझे इंटरवल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर फोर, एक मिनट ले रुको रुको रुको, तो मैं दिख नहीं रखा होगा क्या लिख रहा हूँ, तो फ्रीज हो गई एक सेकेंड। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर फोर प्लस कोस एक्स की पावर फोर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर फोर प्लस कोस एक्स की पावर फोर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो बेटा साइन एक्स की पावर फोर का डेरिवेटिव फोर साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोस एक्स और माइनस फोर कोस क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, माइनस फोर कोस क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब डिफरेंस कॉमन क्या आ रहा है बेटा? फोर साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं क्या करूंगा इधर समझना, ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें से माइनस कॉमन लूंगा, क्यों लूंगा माइनस कॉमन? क्योंकि मुझे पता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा? कोस टू एक्स होता है। तो माइनस कॉमन लिया, फोर को मैंने ऐसे लिखा टू इंटू टू साइन एक्स कोस एक्स और यहां लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा साइन टू एक्स और ये हो गया हमारा कोस टू एक्स। बेटा टू साइन टू एक्स कोस टू एक्स क्या हो गया? साइन फोर एक्स, साइन फोर एक्स हो गया। तो हमारा एफ डेस एक्स आ गया माइनस साइन फोर एक्स, ये हमारा एफ डेस एक्स आ गया, दिस इज एफ डेस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बेटा हिमांशी मैंने तेरे को फोन करने के लिए बोला था ना यार, तुम ऐसे मेरी बात का इग्नोर करोगे तो फिर मैं भी इग्नोर। मैंने बहुत बाद में देखा, मेरा फोन स्विच ऑफ था ना पहले, आपने अगर ट्राई किया तो उससे बात करना था। सर आरुष आया है? आरुष आया है, कहाँ आया है? हाँ सर वो उसका मेरे पास मैसेज आया है कि उसका माइक खराब है। ओके हाँ आरुष आया है तो कोई और एब्सेंट है, चलो ठीक है। तो एफ डेस एक्स हो गया माइनस साइन फोर एक्स, ये एफ डेस एक्स आ गया। अब माइनस साइन फोर एक्स आ गया, मैं तो साइन फोर एक्स का कर्व बनाऊंगा बेटा, ये साइन फोर एक्स का कर्व बना लिया। साइन फोर एक्स का कर्व पहले साइन एक्स का कर्व बना दो, ये जीरो, यहां पर क्या होता था साइन में पाई, तो यहां पर फोर एक्स बना रहे हो तो पाई बाय फोर आएगा ही, यहां क्या होता था बेटा टू पाई, तो टू पाई को फोर से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया पाई बाय टू, पाई बाय टू आ गया कि नहीं आ गया? जीरो से पाई बाय टू, यहां लग गया प्लस और यहां लग गया माइनस, कोई दिक्कत यहां तक? इस टर्म में किसी को दिक्कत है? बेटा साइन एक्स का ओरिजिनल टर्म में यहां पाई आता है लेकिन मुझे फोर एक्स का बनाना है इसलिए मैंने फोर से डिवाइड कर दिया बेटा, यहां टू पाई आता है टू पाई को मैंने फोर से डिवाइड कर दिया पाई बाय टू आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ये हमारा साइन फोर एक्स का करो। अब देखो मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
for the fx to be strictly increasing. For the fx to be strictly increasing. F dash x must be greater than 0. The minus sign 4x must be greater than 0. और माइनस हटाओगे तो साइन 4x ही लेस देन 0. बेटा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कहां से कहां तक आ रहा है? पाई बाय 4 टू पाई बाय 2. पाई बाय 4 से पाई बाय 2. सो देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाय 4. दोनों इंक्लूड नहीं होंगे बेटा क्योंकि दोनों पे स्लोप जीरो हो रहा है. पाई बाय 4 से पाई बाय 2. आया समझ में? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाय 4 टू पाई बाय 2. क्लियर है? यस सर. किसी को डाउट है बेटा इसमें? किसी को डाउट है? नो सर. तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया भैया. Now strictly decreasing. B strictly decreasing. For the fx to be strictly decreasing. अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनसीईआरटी में क्या किया कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन्होंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख दिया बस सब. जबकि इन्होंने डेफिनेशन में तो वही लिख रखा है जो होता है, लेकिन इन्होंने आंसर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के दे दिए. यही हुआ ना बेटा स्मिथ? यही हुआ है ना? हाँ सर. हाँ सर. हाँ तो वो उन्होंने बस उन्होंने सबको एक तरह से ट्रीट कर दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर दे दिया. वो चक्कर हो गया जबकि ऐसा नहीं होता. फॉर द एफेक्ट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 माइनस साइन 4x इज लेस देन 0. माइनस हटाओगे तो साइन 4x इज ग्रेटर देन 0. बताओ ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से पाई बाय 0 टू पाई. पाई कहां आ रहा बेटा? पाई 2 पाई बाय 4. Therefore, fx is strictly decreasing on 0 to pi by 4. ये strictly decreasing आ गया आपका 0 to pi by 4. बस ये interval आ गया 0 to pi by 4 में strictly decreasing है और pi by 4 से pi by 2 में strictly increasing. कोई दिक्कत इसमें? कोई doubt बेटा किसी को? क्लियर है? No sir. Yes sir. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है. आज हम ट्रिग्नोमेट्री वाली कर रहे हैं और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, मतलब ये वाला टॉपिक. कल से मैक्सिमा मिनिमा, कल से मैक्सिमा एंड मिनिमा. फाइंड द इंटरवल्स in which the function fx equal to sin x plus cos x, x is greater than equal to 0 less than equal to 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing, is strictly increasing or strictly decreasing. fx equal to sin x plus cos x is strictly increasing or strictly decreasing. अब कैसे करेंगे देखो. fx equal to sin x plus cos x differentiating with respect to x, f dash x cos x minus sin x. यहां तक कोई दिक्कत बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? No sir.
अब देखो इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर याद रखना, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि एक सिंगल फंक्शन बन जाए। रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया? अच्छा बीच में माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है? माइनस तो माइनस आए, मतलब हमें हमेशा प्लस का फॉर्मूला बनाना है, चाहे आप साइन ए प्लस भी बनाओ चाहे कोस ए प्लस भी बनाओ। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, साइन ए प्लस बी का बनेगा कि कोस ए प्लस बी का बनेगा? कोस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। कौन है ये, कहां से साइन ए प्लस बी बनेगा भाई? कोस ए प्लस बी बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये बन गया कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स, कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ इसको मैं दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, किसी को लगता है तो मैं दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, पहले ये वाला मेथड देखो। तो ये बन गया कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं इसका कर्व बनाऊंगा, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है इसलिए डॉटेड लाइन, कोस का कर्व यहां जीरो, यहां प्लस है तो मैंने क्या बताया था क्या करना है बोलो? जीरो प्लस है तो क्या करना है? पाई बाय फोर माइनस, माइनस पाई बाय फोर। बेटा याद करो क्या बोला था, प्लस है तो क्या करोगे? माइनस, माइनस। यहाँ पाई बाय टू है, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर करो बेटा कितना है? पाई बाय टू, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर। अब बेटा मैंने क्या बोला था, अपॉन में फोर आ रहा है तो चार का डिफरेंस जाएगा बेटा हमेशा, तो इसमें चार का डिफरेंस लो कितना आएगा, यहाँ कितना आ गया चार के डिफरेंस पर? भाई अपॉन में जो होता है उतने का डिफरेंस जाता है, अपॉन में है आपका फोर तो चार का डिफरेंस जाएगा आपका, मतलब ये हो गया आपका फाइव पाई बाय फोर, वन पाई मतलब फाइव पाई बाय फोर। ये चार का डिफरेंस बोलो? नाइन पाई बाय फोर, नाइन पाई बाय फोर। आप निकालोगे तो भी यही आएगा, दोबारा समझा रहा हूं, जीरो यहाँ प्लस पाई बाय फोर है इसलिए माइनस पाई बाय फोर होगा, यहाँ पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर करा तो पाई बाय फोर आ गया। अब क्योंकि अपॉन में फोर है इसलिए चार का डिफरेंस जाएगा, तो वन पाई प्लस फोर कितना हो गया? वन पाई प्लस फाइव फोर, फाइव पाई बाय फोर, फाइव प्लस फोर नाइन पाई बाय फोर। यहाँ तो कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है, दोबारा बताना है क्या? नो सर, नो सर। हाँ भी बोला किसी ने, देखो दोबारा देखो, ये कोस एक्स का ओरिजिनल कर्व यहां होता है जीरो, ओरिजिनल कर्व में यहां होता है पाई बाय टू, यहां होता है थ्री पाई बाय टू, यहां होता है फाइव पाई बाय टू, लेकिन यहाँ प्लस पाई बाय फोर है तो सब में से माइनस पाई बाय फोर करोगे तो यहाँ माइनस पाई बाय फोर आएगा, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर करोगे तो पाई बाय फोर आएगा, थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर करोगे तो फाइव पाई बाय फोर आएगा, और फाइव पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर करोगे तो नाइन पाई बाय फोर आएगा, ऐसे समझ लो। लेकिन मेरे को क्या है, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, ये दो वैल्यू निकालोगे इसके बाद जो अपॉन में है उतने का डिफरेंस जाएगा, ये वन पाई बाय फोर तो वन पाई प्लस फोर तो यह आएगा फाइव पाई, निकालोगे तो भी ये है फाइव प्लस फोर नाइन पाई। अब समझ में आया? अब समझ में आया? यस बोलो भाई सब। यस सर। अब ये कर्व बन गया हमारा कोस एक्स प्लस पाई बाय फोर का, मुझे कहां से कहां तक चाहिए? देखो ध्यान, इंटरवल कहां से कहां तक है? अरे इंटरवल कहां से कहां तक है? जीरो टू टू पाई, तो जीरो इन दोनों के बीच में आ रहा है,
बेटा खुशी तू दिन वाली क्लास में क्यों नहीं आ रही है, 4 बजे वाली क्लास में? सर वो मैं 2 दिन से बाहर जा रही थी। क्योंकि तुम्हारी है ना इको की क्लास तो नहीं लग रही, वो तो मुझे पता है। यस सर। चलो 0 to 2π, तो 0 यहाँ आ गया, 2π ये कितना होगा, 9π/4। 9/4 कितना होता है, 2 से ज्यादा है कि 2 से कम है? 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा तो बेटा 2π यहाँ कहीं आएगा बीच में, इससे पहले आएगा कि नहीं आएगा? Yes, अब ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, बस ये करो बनाना है आपको। ये 0 से 2π लोकेट हो गया भैया, ये कर्व इंपॉर्टेंट है, कर्व बन जाएगा। क्योंकि इसका दूसरा मेथड बताऊंगा ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, दूसरा मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, इसलिए ये वाला मेथड समझ लो। इस वाले मेथड में क्या है, सिर्फ एक कर्व बनाना होता है और कर्व से आपको पता लग जाता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है। नहीं तो दूसरा मेथड तो वो है जो हमने उसमें करते थे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, प्लस पाई बाय 4 ऐड करो, माइनस पाई बाय करो, पाई बाय 4 प्लस एक्स बनाओ, वो वाला लफड़ा है। उसमें तो तुम कभी कंफर्टेबल फील करते ही नहीं हो, तो ज्यादा बढ़िया है कि आपको ये ग्राफ वाला मेथड देख लो। मैं वापस से एक बार ग्राफ फिर वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ग्राफ एक बार समझ में आ गया ना तो फिर देखो। बेटा किसका कर्व बनाना है, सब बोलेंगे किसका कर्व बनाना है, कोस का कर्व बनाना है। कोस, आप कोस का ओरिजिनल कर्व बना लोगे, इसको डॉटेड रखोगे, ये कोस का ओरिजिनल कर्व बना लो आप तो बस। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है ओरिजिनल में, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ 5π/2, ये ओरिजिनल कर्व में होता है भाई कोस एक्स के में। यहाँ प्लस 5/4 है तो सब में से -π/4 ऐड करो, ये -π/4 क्या तो -π/4, पाई बाय 2 में से π/4 सबट्रैक्ट किया तो π/4, और देखो देखो 3π/2 -π/4 और एलसीएम 6π-5 कितना आ गया, 5π/4, 5π/2 -π/4, ये लो मैं यहां करके बताऊं, 4 एलसीएम आ गया 10π-9π, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब 0 मेरे को जाना है 0 से 2π, तो 0 तो बेटा माइनस और प्लस के बीच में होगा, तो 0 मैंने यहां मार्क कर लिया, ये लो 0, 2π तो मैं इस वाली वैल्यू को देखूंगा 9π/4, 2π से ज्यादा आ रहा है तो हल्का सा ज्यादा आ रहा है तो 2π यहाँ कहीं और मान लो, ये 2π आ गया, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कोई दिक्कत, ये बन गया भैया। बोलिए आप, क्लियर है? यस सर। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing, for the fx to be strictly increasing, strictly increasing, f dash x is greater than 0, root 2 cos x plus 5f is greater than 0, cos x plus 5f4 is greater than 0। बेटा cos positive कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? कर्व में देखो। 0 to π/4 union π/5π/4 to 2π। अब इसमें 0 include होगा क्योंकि बेटा यहाँ पर slope 0 नहीं हो रहा और एक 2π include हो, क्योंकि हमारा 0 और 2π दोनों include हो रहा होगा। यदि x axis को cut करेगा तो नहीं होगा, तो from graph ऐसे लिख दोगे, from graph it is clear that fx is strictly increasing on, fx is strictly increasing on 0 to 0 included 0 to π/4 union 5π/4 से 2, ये आपका strictly increasing है। 0 to π/4 union 5π/4 से 2π, ये हमारा strictly increasing interval आ गया, strictly increasing इसमें हो गया, कोई दिक्कत? 0 to π क्यों include हुआ है, सबको समझ में आया? Yes sir।
क्योंकि जीरो पर स्लोप जीरो नहीं हुआ, टू पाई पे भी स्लोप जीरो नहीं हुआ, और जीरो और टू पाई आपके इंटरवल में इंक्लूड है। इंक्लूड नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती, लेकिन यहाँ इक्वल टू लग रहा है इसलिए इंक्लूड हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिख रहा है साफ कहां से कहां तक है? पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर, बस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फाइव पाई बाय सॉरी फाइव पाई बाय फोर, फॉर द एफएक्स टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, रूट टू कोस एक्स प्लस पाई बाय फोर इज लेस देन जीरो, कोस एक्स प्लस पाई बाय फोर इज लेस देन जीरो, सो देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर, बस ये इसका आंसर आ गया। और यही मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है बेटे, और दूसरा मेथड बताऊंगा तो अभी तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, जिसको जानना है अपन कभी भी है ना एक्स्ट्रा क्लास में बता देंगे उसको, लेकिन ये मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। इसमें बस आपको कर्व बनाना पड़ेगा और कर्व बनाना ईजी है, एक बार समझ में आ गया ये क्लियर है। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, फाइंड द इंटरवल्स in which the function fx equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus 4, x is greater than equal to 0 and less than equal to 2 pi is strictly increasing or strictly decreasing? Is strictly increasing or strictly decreasing? या तो वो ऐसे पूछेगा या फिर जो NCERT की प्रॉब्लम है आपकी, NCERT का जो एक क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, वो ऐसे पूछेगा, वो NCERT का क्या क्वेश्चन छुड़वाया था वो देख लो, लिख रहा हूं एक्सरसाइज 6.2 का मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा था वो रही है। Prove that y equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is n, क्या लिखा हुआ है बेटा किसी के पास है बुक? अब क्या लिखा हुआ है नया चेंज होके? यस सर, सर पेज से कौन सी यही एक्सरसाइज? हाँ यही एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9। सर एक मिनट देख रही हूँ। Prove that y yeah, equal to 4 sin theta. आगे बोल बेटा। Upon 2 plus cos theta minus theta is a increasing function of theta. Is an increasing function of theta in 0 to pi by 2. Close intervals. Close intervals. क्लोज है ओपन है? क्लोज है सर। क्लोज है, देखो ना ये अब ऐसे गड़बड़ कर रहा है, ये कभी क्लोज लिख रहा है कभी गड़बड़ लिख रहा है, जबकि क्लोज आना चाहिए इंक्रीजिंग है। अब ये इसने क्या है सब कुछ है ना कंफ्यूजिंग कर दिया, जबकि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग है तो क्लोज आएगा वरना ओपन में ही रहेगा ये। अब इसने दोनों पे क्लोज लगा रखा होगा, चलो yes, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया उसने, जो अपन बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। तो बेटा ये दोनों प्रॉब्लम सेम ही है, वो जीरो से टू पाई में पूछ रहा है, ये जीरो से पाई बाय टू में पूछ रहा है, बस इतना सा अंतर है। तो मैं तो पहली वाली कर देता हूँ, दूसरी वाली अपना हो जाएगी,
fx equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus x. 2 plus cos x minus x. F dash x differentiating with respect to x. दो, 2 plus cos x का होल स्क्वायर. 2 plus cos x as it is. हाँ बेटा. हाँ बेटा. कुछ बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन माइनस फोर है. किसमें? सर fx is equal to 4 sin x upon 2 plus cos x minus 4. नहीं, 4 नहीं, वो x है. Sorry. x. तो 2 plus cos x, 4 sin x का derivative 4 cos x minus 4 sin x और 2 का 0, cos x का minus sin x. और माइनस वन, माइनस वन, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया था. अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन. एफ डैश एक्स 8 कोस एक्स प्लस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन. ये हो गया. देखो यहां से 4 कॉमन आ गया बेटा. ये 4 कॉमन आ गया. तो 4 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर. और पूरे का एलसीएम ले लो आप. 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख लो यहाँ पर. तो ये हो गया माइनस 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक सिंगल फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा हमें. तो ये आ गया एफ डेस एक्स 8 कोस एक्स प्लस 4 हो गया. ये 4 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x, ये a प्लस b का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. आप इसको भी ओपन कर लो. 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हमारा बचा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x. तो ये आ गया बेटा एफ एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स इक्वल टू 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. cos x कॉमन आ गया तो अंदर बचा 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. यहां तक ये एफ डेस एक्स आ गया. इसके इस एफ डेस एक्स में किसी को कोई डाउट बेटा? इस एफ डेस एक्स में किसी को कोई डाउट? नो सर. नो सर. ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया इसका. तो ये आ गया हमारा कोस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 माइनस कोस एक्स. अब देखो तो ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर द एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. तो यह आ गया कोस एक्स 4 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो. बेटा 4 माइनस कोस एक्स कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? सोचो. अच्छा कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1. तो 1 होगा तो ये 4 माइनस कोस एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी. हाँ सर. तो नहीं होगा. वैल्यू क्या होगी कोस एक्स की? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस वन. तो 5 आ जाएगा. इसका मतलब 4 माइनस कोस एक्स की वैल्यू हमेशा किस किस के बीच में आएगी? 3 और 5 के बीच में आएगी. मतलब कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नो सर. और नीचे वाली वैल्यू 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव क्या? बेटा जो पॉजिटिव होता है उसको हम हटा देते हैं. cos x is greater than 0 because
4 माइनस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जीरो नहीं, जीरो के इक्वल होगा तो नहीं हटाएंगे, जो पॉजिटिव होता है वो उसको हम कभी भी हटा सकते हैं। तो 4 माइनस cos x आपका हट गया और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर हट गया, तो सिर्फ बचा बेटा cos x इज ग्रेटर देन 0। तो cos x का कर्व बना लो 0 से 2 पाई में, देखो ये रहा 0 से 2 पाई में ये कर्व बन गया 0 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 और 2 पाई प्लस माइनस प्लस। यदि सिर्फ इंक्रीजिंग पूछेगा वो आपसे, जैसे उसने अपने एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम में पूछा था, तो 0 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि प्लस आ रहा है, ठीक है। यदि आपका एनसीईआरटी की प्रॉब्लम पूछता है तो वो 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीजिंग हो जाएगा बस। लेकिन अभी हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है तो बेटा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, बताओ कहां से कहां तक। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम ग्राफ, ऐसे बोल दो फ्रॉम ग्राफ, इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, बोलो भाई इंटरवल बोलो, 0 से पाई बाय 2। जीरो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा सर। पाई बाय टू यूनियन 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, 2 पाई इंक्लूड होगा, कोई दिक्कत? नो सर। ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा? पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 बस। ये है, एक बार करो बनने के बाद दिक्कत नहीं आती। For the fx to be strictly decreasing, for the fx to be strictly decreasing, f dash x is less than 0, cos x 4 minus cos x upon 2 plus cos x ka whole square is less than 0. तो बचा cos x इज लेस देन 0 बिकॉज 4 माइनस cos x इज ग्रेटर देन 0 और 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहां से कहां तक? पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2। आया समझ में? Yes, समझ में आ गया? Yes, तो ये चार क्वेश्चन थे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गया है, फिर भी यदि कोई क्वेश्चन बचता है तो मैं कल करवा के फिर उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा चालू करूंगा। सर एक्सरसाइज 6.4 हो गई क्या? 6.4 हो गई बेटा पूरी। 6.4 का हट गई। अच्छा। 6.1 और 6.4 हट गई। ओके सर। इस साल 6.1 और 6.4 हट गई, ठीक है? चलिए, ठीक है? सर रुक जाओ। हाँ रुका हूँ। थैंक यू। ओके बेटा। थैंक यू सर। कर दो यस सर कर दो।